वायरस हो गई आज, पहले जब आपके साथ काम करती थी तो वायरस नहीं थी। काम को ओकर कमाई खातर नहीं है हम, ओकर के कमाई खातर नहीं है, ओकर पैर के चप्पल ओकर कर पे वस्त्र देवे वाला हम है। बेटी रही आज छोड़ के भले चल गई रहुआ तो रहुआ वायरस को नहीं गलत बात। अरे भाई हम गलत बात बाटे वायरस ना वायरस नहीं कही बात गलत। तब रहुआ इंटरव्यू कैंसिल कर सकीला ना, कैंसिल हो सकता लेकिन वायरस रहुआ कह भी सही बात नहीं। जी आपको बता दे कि इसी स्टूडियो से शिवानी सिंह गाना गाती थी, नाम ना ले आपको बताना लेकिन जरूरी हो जाता है। इसी स्टूडियो से, संगम स्टूडियो है बक्सर का, और इसी स्टूडियो से शिवानी सिंह गाना गाती थी जो अब इस समय विजेंद्र भैया को छोड़ करके चली गई। खेसारी लाल यादव के साथ गाना गाने वाली अंजलि आर्या जी हमारे साथ है, तो इनसे हम जानेंगे कि कब इनका गाना खेसारी लाल यादव जी के साथ आने वाला है। सब लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार देते नहीं, नया स्टार देते नहीं कोई, 3 से 4 दिन के अंदर नया स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के देते नहीं। एगो तो पहला स्टार रहुआ बना के भेज दे। सास सुन पापड़ी ससुर जी समोसा, ननद नमकी नया दिया दिन डोसा, कि ससुरे में देखली हनी सब दुनिया, किया मरा देवरा हवे दही रे बलमुआ बुनिया। 1 लाख लेके घूमत रही सब बा जोगाड़ तो कौन जाना बना के दिखाओ बस मजा ना स्टार भैल वाला बाही पे बाही चढ़ाओ तर आ मोछी तान तर अरे मोछी नकली मोछी नकली है मोछी है ओरिजिनल मोछी है नकली है जौन बाटे बन ब धग पम पमिया धग नोची देवे तरी है पमिया भी अनु धग नोची देव हम गए अंदर कौन जाने के इंडस्ट्री के रोच देव रे इतना। हां अब महारस जब बाल सैया जी लागस कमाल सैया जी बगली से निकाल सैया जी उड़ावस रुमाल सैया जी पातर करे होइया डोले नदिया के बीचे जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले हे। क्यों वायरस कह रहे हैं इस बारे में बताइए। कहाँ रुआ सुबह सुबह हमारे जतरा खराब करते नहीं मैं। जतरा खराब कहाँ कर रहे हैं? हटाई होकर बिल्कुल वायरस के नाम मत लीजिए। साथ काम करती थी ना जी, तो उस समय तो आपकी बेटी थी। काम कहाँ करे को अगर मौका मिलल, काम करे वाली जब भइल तो भाग गइल। आपकी बेटी थी कहते थे कि मेरी बेटी है शिवानी। अरे भैया तो तुम्हारा 2 गो बाल बच्चा पैदा हो जाये तो बाल बच्चा पियकड़ हो जाय आ खराब हो जाय तो हमार तरफ से निकल गइल निकल गइल निकल गइल। खेसारी लाल यादव के साथ गाना गाने वाली अंजलि आर्या जी हमारे साथ है, तो इनसे हम जानेंगे कि कब इनका गाना खेसारी लाल यादव जी के साथ आने वाला है। सबसे पहले आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले जितने भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम, और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में गाना आएगा। कैसे हैं आप पहले बताइए? एकदम बढ़िया है, आप कैसे हैं? सब बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि रहुआ कैसे चल दिए छोड़ के रहुआ के? तो फिर इनको के वायरस को जइबे करी जइबे करी समय विश्वास की मने रहुआ फिर रही हमारा विश्वास न जल्द आएगा, और गाना भी रिकॉर्ड हो चुका है, वीडियो भी बन गया है, बस आने में जितने में जल्द जब तक आ जाए बहुत जल्द आएगा। भैया से जान लेते हैं, विजेंद्र तिवारी जी हैं, और विजेंद्र तिवारी भैया से जानते हैं कि क्या कब गाना आने वाला है। जी भैया, जे भी रुआ न्यूज़ के माध्यम से देखा था हमारे के सबके तहे दिल से प्रणाम बा, और जे बड़ बा वगैरह से आशीर्वाद के चाहना बा, जे छोट भाई बा वगैरह के प्यार सने बाटे हमारा तरफ से। अंजलि आर्या का गाना आ रहा है खेसारी लाल यादव जी के साथ, कब? तो ये मतलब ये कैसे कहल जा सकता कि गाना हो तो रुआ कैसे जानते नहीं? सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल हो रहा है खबर कि अंजलि आर्या कौन है, अंजलि आर्या कौन है। लोग बेकाबू है इस बात को जानने के लिए कि अंजलि आर्या आखिर है कौन, और खेसारी लाल यादव जी के साथ इनका गाना आ रहा है, कब आने वाला है? तो अंजलि आर्या ये है लड़की, बड़ी छोटी लड़की है, भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो स्टार देते नहीं। अब हम
ये स्टार देतन, ये स्टारे है शिल्पी राज जी बानी। शिल्पी राज जी के पास एगो हमारे कहाँ लड़की रही है वायरस। वायरस काहे कह रहे, हम जानते हैं किसका नाम नाम रख रहे हैं आप, वायरस जी। आपको बता दें कि इसी स्टूडियो से शिवानी सिंह गाना गाती थी, नाम ना ले, आपको बताना लेकिन जरूरी हो जाता है। इसी स्टूडियो से, संगम स्टूडियो है बक्सर का, और इसी स्टूडियो से शिवानी सिंह गाना गाती थी, जो अब इस समय विजेंद्र भैया को छोड़ करके चली गई है। क्यों वायरस कह रहे हैं इस बारे में बताइए। कहाँ रुआ सुबह सुबह हमारी यात्रा खराब करते नहीं मैं। यात्रा खराब कहाँ कर रहे हैं? हटाई हो कर बिल्कुल। वायरस के नाम मत ली हमारा साथ। वायरस हो गई आज, पहले जब आपके साथ काम करती थी तो वायरस नहीं थी। काम को ओकर कमाई खातर नहीं है, हम ओकर के कमाई खातर नहीं है, ओकर पैर के चप्पल ओकर कर पे वस्त्र देवे वाला हम हैं। आपके साथ काम करती थी ना जी, तो उस समय तो आपकी बेटी थी। काम कहाँ करे को मौका मिलल, काम करे वाली जब भइल तो भाग गई। आपकी बेटी थी, कहते थे कि मेरी बेटी है शिवानी। अरे भैया तो तुहरा दूगो बाल बच्चा पैदा हो जाई तो बाल बच्चा पियकड़ हो जाई आ खराब हो जाई, तो हमार तरफ से निकल गई निकल गई निकल गई। हमार नज़र में बहुत बड़ा वायरस बन गई, घर से घृणा हो गई। वायरस हो गई आज के डेट में। नाम तक हम ना सुनल चाहे, नाम नहीं सुनल चाह तब आ चर्चो नहीं कौन मतलब है निखर वो गलते चर्चा कर दिया नहीं। हाँ लेकिन चर्चा तो बात हूँ कि जी शिवानी यही स्टूडियो से गाना गौले रहे भैया, हम ये से हिट भई रही। हम कुछ नहीं जानती, ओकर बतिए मत करिए यार। गाना कैसे हिट हो गई, कर्जा ना कब माई बाबू के भराई हो। ओ बतिए मत बतियाई ना, हम कहते से विनती बा रिक्वेस्ट बा, वो कुल बात मत बतियाई, कहे के बतियाओ तनी हमारे है हमारे है हीरो के बारे में सोची। नहीं तो एगो और हीरो रहुआ देले बानी, सबसे पहले रहुआ शिवानी के हीरो बना के स्टार बनोगे। आता ना अनुभव बाके भोजपुरी इंडस्ट्री के दावा के साथ कहतनी हम कि इंडस्ट्री में पहलों से देखत आदमी, अगर एगो लड़की हिट होल न तो दूसरा का लड़की के पैर डगमगा जला, तो ये हम नहीं की कहत कि केहू के पैर डगमगाई, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो स्टार देतनी, नया स्टार देता नहीं कोई। तीन से चार दिन के अंदर नया स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के देता नहीं। एगो तो पहले स्टार रहुआ बना के भेज देनी। केहू भी कोनो कंपनी वाला भाई बड़े केहू भी बा चाहे कोनो कलाकार बड़े सब केहू खाती बात बताओ तनी कि एगो नया स्टार खड़ा कर दिल बनी जेकरा कंपनी वाला बड़ा भैया तो तहरा कमाई का अवसर दे देनी। हम भोजपुरी इंडस्ट्री में कतना लोग काम करता, कतना लोग काम करता रहुआ बताई। बहुत लोग काम करते लगभग अनगिनत लगभग लोग। बिहार सरकार में तो कोनो नौकरी चकरी बा ना आ ना ही कोनो रोजगार बा बा रुआ नजर में ना है रोजगार के कमी बा, बहुत सारा मुद्दा बाटे लेकिन ये तो भैया तो ये कलाकार में सब लोग उतरल बा, तो हमारा आदमी मान के चले कि दो चार आदमी दुकानदारी चाहे स्टूडियो स्टूडियो टाइप के खोल ले बड़े, तो मान के चले कि हमारा स्टूडियो में कम से कम पाँच आदमी सात आदमी काम करते रहे, तो रहो तो एगो रोजगारे दे ले बनी लोग के, तो वह न कहनी है कि इंडिपेंडेंट रोजगार। अब हम रोज अब हमारा माध्यम से जेकरा के वायरस कहल जाता ना नहीं गलत शब्द रुआ प्रयोग करते नहीं वायरस मत कही। अरे महा और बेटी रही आज छोड़ के भले चल गई वो मैटर है तो रुआ वायरस कहत नहीं गलत बात बा। अरे भाई हम गलत बा ये गलत बात है, हम वायरस से हो ना वायरस नहीं कही बात रुआ गलत। तब रुआ इंटरव्यू कैंसिल कर सकीला ना, कैंसिल हो सकता लेकिन वायरस रुआ कहबी सही बात नहीं है। हमारा नजर में वायरस से है, वायरस बन गई कचड़ा कीड़ा बन गई, तो क्या मतलब अच्छा क्या गारंटी बा कि रहुआ एगो नया स्टार जौन पैदा कर रहा बानी अभी अंजलि आर्याबाड़ी वायरल हो रहा बाड़ी दिन पर दिन कि खेसारी लाल यादव जी के संगे गाना आ रहा बा, अभी गाना आई नहीं खे लेकिन फिर भी वायरल हो रहा बाड़ी, तो क्या आगे चल के ही ना रहुआ के धोखा दिया चाहे इनको के बड़का बा इनका हथ हथ भागे हैं तो इनको वायरस से कहब और क्या कहो फिर इनके पीठी पर लगी खाड़ करो। हमारे तो फैक्ट्री चलती है कंपनी चलती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के रोजगार कैसे देवे के बा, रोजगार देवे वाला हम हई हम न पैदा करते नहीं लड़की स्टार, एक लाख लड़की घूमत रही सब बा जोगाड़ तो कौन जाना बना के देखाओस मजा ना स्टार भैल वाला बाही पर बाही चढ़ाओ तर आ मोछी तान तर अरे मोछ नकली मोछ नकली है मोछी हई ओरिजिनल मोछी नकली बन बधक पम पमिया धके नोची देवे तरी है पमिया भी अनु धके नोची देव हम गए अंदर कौन जाने के इंडस्ट्री के नोची देव रहो लेते हाँ। अब मान के चले कि हमारे स्टार बन गई ठीक हमारे से केहू गाना ली ही आवे वाला समय में इनका रेट खोल अभी हम 15,000 रेट खोल देनी वोकल के रेट चाहे 20,000
20,000 के वीडियो बनवाए, 20,000 ऑडियो, 40,000, और 40,000 रुपया लगा के यूट्यूब अपना चैनल पर चढ़ाई हैं। अगर उनका गाना वो जैसे वायरल होता तो 40,000 से वो कतना कमाई है 5 लाख। तो फायदा हमारा के दी है, हमारा तो लिमिटेशन पैसा वो वही रही। तो रोजगार हम देते नहीं कि तू रोजगार रहुआ ने देते नहीं। स्टार हो तू, ऑन पर्सन हो नू कि कंपनी या फैक्ट्री वाला हो तू। अच्छा ये बताई कि रहुआ कैसे चल जी है छोड़ के रहुआ के, तो फिर इनको के वायरस को जैबे करी जैबे करी समय विश्वास की मने रहुआ भी रही हमारा विश्वास नहीं। अच्छा रुकिए एक बार इनको से पूछ लेते नहीं, रहुआ विश्वास बाटे कि रहुआ विजेंद्र भैया कह रहा भैया के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। मने का विश्वास कर जाओ शिवानी हो तो घड़ी खूब कहत रही। तो भैया कहत रही नू तो छोड़ के चल गिला पे कहीं खुश ना। शिवानी हिट भई रहली तो विजेंद्र भैया के लिखल है गाना कि कर्जा ना कबो माई बाबू के भराई हो, सही बात कहत नहीं ना हमार लिखल ना हो। बड़ भाई जेपी तिवारी, जेपी तिवारी मने स्टूडियो के लिखल है नू जी, हमारे प्रोडक्ट है, हमने के नकली बात ना बतियावेला। हां भैया दनु बाकी हां देखी दुगो बाल बच्चे केहू के पैदा भइल बा, दुगो लड़का केहू के पैदा भइल बाड़े छ, आ एहिमे अगर रोज एगो दारू पी के अंड बंड हरकत करताटे गलत काम करके आवताटे तो गार्जियन के नज़र से निकल जाए कि ना। एकदम निकल जाए गार्जियन हम हई कि ना, हमारे में सख संदेह बा, हमारा बढ़िया से परवरिश करावेला आ बढ़िया से हम सोच विचार पॉजिटिव रखें, निगेटिव ना। हमार नज़र में जो खराब है वो खराबे रही, उ चाहे कहीं चल जाओ पेटो बता फते भइल बा हमारा पता लगा। ये बतलाई कि बताइए आप कि आप जैसे शिवानी छोड़ के चली गई, आप छोड़ के जाइएगा कि नहीं जाइएगा? कह तो रहे हम भैया के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और हम अगर भैया को छोड़ के जाने तो हम कहीं खुश नहीं रह पाएंगे। खुश नहीं रह पाएंगे? चलिए ये अंजलि आर्या जी बता रही है कि शिवानी जैसा हम काम नहीं करेंगे, लेकिन सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने हमें आगे बढ़ाया उस व्यक्ति के साथ हर पल रहना चाहिए। चलिए पहले तो रुआ से कह दिले बनी कि वायरस के नाम में निकले के दूसर का चीज कि यह इंडस्ट्री के लोग चली अभी रुआ माइक धेले बनी कल के दिन रुआ के भगवान खूब कुबत दे देस कि रुआ दू दूगो स्टूडियो चलावे लगी, पाछी वो कंपनी चलावे लगी रुआ, रुआ अंडर में केहू कलाकार काम करी हैं का भरोसा से विश्वास करो? कौनो भरोसा नहीं के, कौनो भरोसा करी बताई? वह बात है लेकिन के सामने पेश होता नू अभी बनल नहीं है तब पेश होता टे, ये कहाँ खातिर पेश होता हो? यही चीज़ खातिर पेश होता, आखिर भरोसा कैसे कर जा सकता? वो कुल 420 हो के बात है नहीं है बतियाएगा हमारे कहना, वो 420 420 आदमी आवे सर कचड़ा। चलिए अब अंजलि आर्या से हम बात करते हैं और जानेंगे कि क्या किस तरीके से इनका गाना जो है, गाना तो अभी नहीं कह सकते हैं, जो खेसारी लाल यादव जी के साथ आने वाला है उसके नाम पे काफ़ी चर्चा में छिड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम इनसे चाहेंगे कि कुछ ऐसा गाना जो आपको बेहद पसंद हो सुनाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। कि झारस जब बाल सैया जी कि लागस कहमाल सैया जी। हाँ काहे गाना गोलू हा केकर गाना गावल है शिल्पी दीदी के? तो कहे शिल्पी दीदी गाना गोलू है मीडिया के माध्यम से बताओ शिल्पी दीदी के गाना कहे गाई है? शिल्पी दीदी को हम अपना आइडियल मानते हैं, उनका गाना सुनते हैं और उनसे सीखते हैं इसलिए गाते हैं। अच्छा शिल्पी दीदी को आइडियल मानती है? आपके साथ और कौन सुनता है उनका गाना? हमारे भैया सुनते हैं। बहुत मानते हैं शिल्पी जी को, जान से भी ज्यादा मानते हैं शिल्पी जी को, मानते हैं बहुत, चरित्र से लेकर और गायकी तक देखो कितना सुंदर, माता रानी कृपा से शिल्पी जी का तो हर गाना वायरल रहता है, हर गाना ट्रेंड, गाना दिल में लगता है यार, गाय की दिल में लगता है। वो व्यवहार की भी बहुत अच्छी है, बात विचार भी बहुत अच्छे से करती हैं और उनका गाना भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा गाइए गाना, तो 420 नहीं है वो लोग, 420 नहीं है। चलिए गाना सुनते हैं और इसके बाद बात करेंगे। कि झारस जब बाल सैया जी लागस कमाल सैया जी बगली से निकाल सैया जी उड़ावस रुमाल सैया जी पातर कोरी होइया डोले नदिया के बीचे जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले हे नदिया के बीचे जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले हे। वाह गजब का सुर है,
माता रानी ने गजब का सुर दिया है। अगर शिल्पी राज इस गाने को अगर सुन रही हैं और देख रही हैं इंटरव्यू, तो जरूर इस लड़की से संपर्क करेंगी, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि शिल्पी राज के भी दिल में छोटे छोटे कलाकारों के लिए प्रेम बसता है, और कहीं भी कोई भी कलाकार उनके पास चला जाता है तो कभी किसी को मना नहीं करती है। शिल्पी दीदी से मिली है कि नहीं? मिले, वीडियो कॉल पे बात, वीडियो कॉल पे बात हुई है जी। बॉक्सर में एक बार आई थी कुछ समय पहले, अभी कुछ दिनों पहले ही आई थी। सोए हुए थे स्टूडियो में, थे नहीं घर पे, सोए हुए थे, बोले इधर आए भी थे। अच्छा। मुलाकात नहीं हुआ। यहाँ गोपाल भैया के यहाँ जो गढ़ा महोत्सव का कार्यक्रम होता है उसमें वो लोग आए थे, विजय जी भी आए थे और शिल्पी, और हम लोग मिल नहीं पाए, सोए रह गए थे। चलिए और भी गाना हम सुनते हैं, और बेहद पसंदीदा गाना सुनाइए जी, सुनाते हैं। कके गबना ऊपर आ गईले, हमरा के ऊ भुला गईले, हो आजुले ना मिलल खबरिया हो, जाने कहवा बाड़े सवरिया हो, कि उड़े ले ऊंचे गगनवा, पिया दे से जई हे रे आए, उड़ी जो पुर बाबा जहाजिया, पिया के ले आई हे रे आए, उड़ी जो पुर बाबा जहाजिया। वाह, कितना मस्त, आप बताएंगे क्योंकि आप म्यूजिक डायरेक्टर है, कैसे उठाते हैं गाने को? गाना जौन हमन के जौन दिल में लग जाए वो हिट बा, आ खेसारी जी के गाना गवले बनी, इतना टून अच्छा निकलना, लग रहा है आपको कि स्टार बनने में कोई देर नहीं है? बे जी हमार संग जुड़ के लोग स्टार बा, वैसे बता देते नहीं, हमार संग जेकर में हुनर नहीं हमार संग जुड़े ना करी, हमारा का बहुत सारा लड़की लो आवेला लोग, हम क्लियर कह देनी कि देखो तहारा मेहनत के लिए में कुछ बा ना, देखो मेहनत सबके करे के चाहिए, बाकी जो हमारे दिमाग ही ऐसा मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड हमार मतलब चल रहा कि हमारा बुझा जाला कि ना हई आवाज़ हिट होके वाला आवाज़ हम ये फ़ोन पर एक आवाज़ सुन ले रहनी हम बहुत दिन पहले ऐसे डेढ़ साल दो साल पहले फ़ोन पर आवाज़ सुन लेने को वीडियो क्लिप देख ले रहनी गाना गौले रहे तो हम वीडियो क्लिप देख के कहनी कि लड़की के बुलाओ तनी अब तब बुलाओ रहनी आई गई रहे आई रहे तेरह के स्टेशन लेवे खातिर गई रहनी ऐसे साल भर पहले आई साल भर से बिया। एक और गाना काफी वायरल चल रहा था शिल्पी राज का है, सास सुना पापड़ी जी। कि सास सुना पापड़ी, ससुर जी समोसा, ननद नमकीन आदिया दिन डोसा, कि ससुरे में देखली हनी सब दुनिया, किया मरा देवरा हवे दही रे बलमुआ बुनिया, किया मरा देवरा हवे दही रे बलमुआ बुनिया। चलिए बहुत सुंदर और सुरीली आवाजों के साथ माता सरस्वती का निवास इनके गला में है, और आप क्या सोच रहे हैं खेसारी लाल यादव जी का जो गाना आ रहा है कितना बेहतर होगा, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अंजलि आर्या के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।